गाइस, आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, इस प्रकार का ब्लैक बैकग्राउंड डीजे लाइट टेम्पलेट अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से बनाना चाहते हो अपनी फ़ोटो को यूज करके, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार का टेम्पलेट आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले गाइस, आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको ओपन करना है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 60:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके फोल्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इमेज असिस्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कट कर देना है। आपका जो ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ नीचे आया हुआ है, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसका जो साइज़ है, मतलब ड्यूरेशन है, इसको आपको बढ़ा लेना है। इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ के ऐसे थोड़ी देर टाइप करके इस तरह खींचेंगे इस साइड। मैं यहाँ पे इसे 10 सेकंड का कर लेता हूँ। आप जितना लंबा अपनी वीडियो को बनाना चाहें उतना लंबा आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस साइड कर देना है और यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेयर का ऑप्शन। लेयर पे आपको जाना है। लेयर पे जाने के बाद आपको सिंपल से मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको यहाँ से एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हो मैंने एक वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको गाइस इस प्रकार के इसे पकड़ के यहाँ पे इसे पकड़ के इस प्रकार से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद गाइस, आपको लास्ट में चले आना है। लास्ट में आने के बाद इसे इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे डिलीट कर देना है कट करके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद ट्रिम स्प्लिट का, मतलब यहाँ पे कैंची का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ट्रिम राइट के ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस साइड चले आना है शुरू में। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है, आपको नीचे जाना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे खींच के ऐसे कर देना है। 30 पे कर देंगे या फिर आप फुल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे 30 पे कर देता हूँ। उसके बाद बैक आ जाना है गाइस, इसे ऐसे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको फिर से यहाँ पे देख सकते हो स्टिकर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ आपको ऐसे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे स्पॉटलाइट 1 का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्पॉटलाइट 1 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये वाली जो डीजे लाइट है इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना है और इसका भी ड्यूरेशन वीडियो के पूरा लेंथ में कर देना है, मतलब पूरा फुल कर देना है। उसके बाद इस साइड आ जाना है। उसके बाद यहाँ से पकड़ कर इसे कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इसे ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से इसे ऐसे पकड़ के इसे इस प्रकार से घुमाएंगे। घुमाने के बाद यहाँ पे इसको ले जाके सेट कर देंगे। अब सेट करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, फिर से आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेयर पर जाने के बाद स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टिकर पर जाने के बाद गाइस, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए ऐसे चले जाना है, इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल करते हुए इसे चले जाना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक फॉग का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं काइनमास्टर एसेस्ट स्टोर से। सब कुछ इसमें अवेलेबल है, ये डीजे लाइट और ये फॉग सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद ये वाला फॉग आपको लेना है। लेने के बाद इसे बैक आ जाना है, इसका भी ड्यूरेशन आपको फुल कर देना है। इस प्रकार से ड्यूरेशन फुल करेंगे, उसके बाद इस साइड आएंगे और इसे कुछ इस प्रकार से नीचे रख देना है। नीचे रखने के बाद क्या करना है गाइस, फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्टिकर पे क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला स्टिकर आपको जो स्टार वाला देख सकते हैं, सिमर वाला स्टिकर है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस स्टार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है, इसका भी ड्यूरेशन फुल कर देना है पूरी वीडियो में। इस प्रकार से ऐसे फुल कर देना है, जितना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करते चले जाना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे इसे ऐसे रख देंगे, ले जाकर एडजस्ट कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से इसका भी डुप्लीकेट करके इस साइड आपको फिट कर देना है, यहाँ पे लगा देना है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है, फिर से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जिस फ़ोटो को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये मेरी फ़ोटो है गाइस, आपको मैं दिखा दूँ,
यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट किया है। अगर आप भी इस प्रकार का PNG फ़ोटो नहीं बना पा रहे हैं तो आपको कमेंट करना है, आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है, कुछ इस प्रकार से इतना छोटा कर लेना है और यहाँ पर आपको इसे ऐसे ला के रख देना है। इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे ला के इसके गोले में जो बीच का गोला है इस पर आपको एडजस्ट कर देना है। इसका भी ड्यूरेशन आपको पूरी वीडियो में कर देना है खींच के, इस प्रकार से देख सकते हो मैंने कर दिया। अब गाइस फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको स्टिकर पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे चले जाना है स्क्रॉल करते हुए इस प्रकार से, और यहाँ पे देख सकते हैं फेयर लाइट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कम आउट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कम आउट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा करने के बाद पूरी वीडियो में आपको कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ से पूरी वीडियो में इसे इस प्रकार से कर देंगे और इसका भी ड्यूरेशन आपको फुल कर देना है। इस प्रकार से आपको इसका ड्यूरेशन फुल कर देना है। फुल करने के बाद शुरू में आ जाना है, फिर से आपको लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है अपनी गैलरी से कुछ इस प्रकार से। मैं अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो ये वाली वीडियो आपको सिलेक्ट करना है। लिंक सभी वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर क्या करना है गाइस, आपको इसे कुछ इस प्रकार से पकड़ के खींचना है, पूरी वीडियो में आपको इस प्रकार से कर देना है इसको इस प्रकार से। फिर आपको क्या करना है गाइस, इसको यहाँ पे आना है, देख सकते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे ट्रिम पे जाना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा खींच के आगे कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमारा डिलीट हो चुका है, मतलब जो इसमें अननेसेसरी पार्ट था हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर से इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे नीचे जाएंगे गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन ब्लेंडिंग का, ये देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी जो वीडियो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ गाइस, देख सकते हो गाइस मैंने कितना मस्त वीडियो आपको बना के दिखा दिया। आप भी अपने वीडियो को इसी प्रकार से बना सकते हैं अपनी फ़ोटो को लगा करके। अब गाइस आपको क्या करना है, इसको अपनी गैलरी में सेव करना है, उसके लिए यहाँ पे एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, मैं 1080p करके रखता हूँ और यहाँ पे 30fps पर कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना है, आपकी जो वीडियो है ये आपकी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब